वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस मवाना रोड मसूरी मेरठ। मेरठ ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली शीबा ने बताया कि पति अखलाक व वसीम की पहले से जान पहचान है। वसीम ने पीड़ित के पति अखलाक से अपनी दुकान में बर्तन व चप्पलों का माल भरने के लिए 3 माह बोलकर 2.5 लाख रुपए लिए थे। महिला के पति अखलाक ने वसीम को पुराने संबंध होने के नाते अपने मोबाइल नंबर से शीबा के पति ने अलग अलग तारीखों में वसीम को ऑनलाइन दिए गए पैसों में कुछ गवाह भी शामिल किए। वसीम ने कहा था कि 3 माह में मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। समय पूरा होने के बाद जब महिला ने उधार दिए गए पैसों का तगादा शुरू कर दिया तो वसीम के भाइयों ने महिला के साथ हाथापाई की। महिला के कपड़े भी फटे। शोर शराबा सुन बचाने आए स्थानीय लोगों को आता देख दबंग युवक जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित महिला थाने पहुंची और कार्रवाई की मांग को लेकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। मेरा एक को पैसे दे रखे थे वसीम को जी, उससे पैसे मांगने की मैंने कोशिश करी तो उसने मेरा गिरवान पकड़ा, हाथापाई करी। चारों भाई ने वसीम, नसीम, नदीम, एक क्या नाम छोटे भाई का नाम मुझे मालूम नहीं। कहाँ की रहने वाली हो आप? रशीद नगर की। तो क्या हुआ जी? उन्होंने पैसे नहीं दिए, उन्होंने मेरे साथ हाथापाई करी। उन्होंने मेरा बुरखा चैन थी गले में जी, वो तोड़ ली। हाथापाई करने के बाद मेरा बुरखा फट गया। मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ हुआ है, काला पीलिया सेप्टिक सुअर है, उन्हें टांग का ऑपरेशन हुआ हुआ उनका। मैंने मकान रख के गिरवी उस पर बैंक में रखा हुआ है, मैंने पैसे दे दिए थे जी कारोबार के लिए। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे उनके साथ मुकदमा हो और मेरे पैसे दिलाए जाएं। थाने गई थी आपने? जी थाने, हाँ मैं वहाँ पर गई थी कोतवाली में, कोतवाली के पास ही हुआ था ये घटना। क्या कहा पुलिस ने? उन्होंने ये कहा कि फैसला कर लो। मैं फैसला करना नहीं चाह रही सर, जब तक मेरे पैसे नहीं मिलेंगे मैं जब तक फैसला नहीं करूँगी। ज्ञापन दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।